फ्रेंड्स, इस समय मैं कटड़ा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूँ। बेसिकली जो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घरों में बैठे हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं, लेकिन एक मन में डर है कि यार बहुत पैसे खर्च होंगे यात्रा पे, और गेस्ट हाउस बुक करने पड़ेंगे, होटल में खाना खाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट के बड़े बिल होंगे। ये सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये एक मिनट की वीडियो में जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये हर उस भक्त के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी जेब में बहुत थोड़े से पैसे हैं और माता की कृपा उस पर होने वाली है। उसे लगता है कि यार मैं माता के दर्शनों से बहुत दूर हूँ, वो भी दर्शन कर सकता है ईजिली। दोस्तों, करना कुछ नहीं है, कटड़ा आना है, निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर आइए। श्राइन बोर्ड के अंडर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 45 रुपीज़ में बहुत बढ़िया थाली मिलती है, खाना मिलता है, भर पेट खाना होता है, पूरा हाइजीनिक फूड है। साथ ही साथ 100 रुपीज़ में बेड मिलता है, 24 घंटे के लिए आपको एक अच्छा बेड मिल जाएगा। साथ में ब्लैंकेट वगैरह, रजाई वगैरह जो चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी लेते हैं, बाद में वो भी रिफंड कर देते हैं। दोस्तों, भवन तक जाते हुए पूरी जर्नी में आपको श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा फूड है, 7 रुपये में चाय है, 15 रुपये में कॉफ़ी है, 40 रुपये में डोसा है, पूरी 40-45 रुपये की थाली है, भरपेट बंदा भोजन कर सकता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की कृपा से हर बंदा थोड़े पैसे में बढ़िया जर्नी कर सकता है, माता के दर्शनों का आनंद उठा सकता है। और श्राइन बोर्ड के ऊपर माता वैष्णो देवी की कृपा बरस रही है और श्राइन बोर्ड भक्तों के ऊपर कृपा कर रहा है। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।